ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 10 नवंबर 2020 मंगलवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, वहीं चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर, ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभदायी साबित होगा। मान सम्मान के साथ साथ अर्थ प्राप्ति और सम्मान प्राप्ति का योग भी इनके लिए बनने वाला है। कुल मिलाकर के इन 5 राशि वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज के दिन भविष्य को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। नौकरी या कारोबार के महत्वपूर्ण कामों में पूरा ध्यान लगाए। धन का खर्च अधिक होगा। कमाई देखकर ही खर्च करें। कार्यस्थल पर सहयोगी के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। ऑफिस के कामकाज के सिलसिले में आपको कहीं जाना आना पड़ सकता है तथा साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। युवाओं और विद्यार्थियों को परिश्रम बढ़ाने की जरूरत है। वाहन संबंधी कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है, इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी को प्रसन्नता प्राप्त होगी और कहीं से कोई आमंत्रण या सूचना या शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज मन में नकारात्मक विचारों के प्रति आकर्षण पैदा होगा। ध्यान रहे, किसी का बुरा करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी जो है ऑथेंटिक निर्णय करने के पहले बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की आवश्यकता है। कर्मचारियों से काम लेने के लिए व्यवहार नरम रखें। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उसे खुद पूरे समर्पण के साथ पूरा करें। व्यापारी पैसों के लेन देन को लेकर के सजग रहे। युवा वर्ग मनोबल के आधार पर ही आगे बढ़े। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होगा और आपको जो है स्वास्थ्य के प्रति विशेष गंभीरता रखने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों पर क्रोध करने से आपको बचना होगा, वरना रिश्तों में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को यदि आप पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज के दिन नौकरी तथा कारोबार को लेकर अपना ध्यान आपको लक्ष्य बना करके रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको छोटे मुनाफे पर भी आर्थिक स्थिति में राहत का काम करेंगे। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ सहयोगपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। जल्द ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग है। पुरानी कंपनी से दोबारा नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता होगी। युवाओं को करियर की प्रगति होगी और स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। दिनचर्या और पहले से चल रही दवाई में कोई लापरवाही बिल्कुल ना बरते और उपाय के रूप में घर से निकलते समय इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। आज हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको जो है जो भी काम करना है उसको आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए।
तथा सामाजिक कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। किसी भी काम में मन नहीं लगने से तनाव व परेशानी आप महसूस करेंगे। घर के काम आपको पूर्ण करने पड़ेंगे तथा जल्दबाजी न दिखाए वरना नुकसान हो सकता है। नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है। सावधानी पूर्वक आपको काम करना चाहिए। लापरवाही करना ठीक नहीं है। परिवार में वाद विवाद या तर्क वितर्क हो सकता है। संयमित व्यवहार आपको करना चाहिए और उपाय के रूप में भोजन के साथ चावल खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज का दिन आपके लिए कुछ मिला जुला साबित होगा, लेकिन लाभ प्राप्ति आपको अवश्य होगी। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि लालच में आकर के कोई भी गैरकानूनी काम न करे। धीरज के साथ और आपको पूरे पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए और ईमानदारी से ही आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी और दिनचर्या आपकी आराम से व्यतीत होगी। घर में जरूरत पड़ने पर आपको छोटे लोगों से सपोर्ट लेना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद तथा उनकी सलाह भी आपके लिए आवश्यक होगी। उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज पूरा दिन सकारात्मक रह करके काम करें। कार्यस्थल पर किसी के सानिध्य में रहकर काम करना चाहिए तथा सलाह आपको वरिष्ठ लोगों से जरूर प्राप्त करना चाहिए और कार्यस्थल पर कर्मचारी कम होने से तनाव बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी सी थकान व कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। उत्साह बनाए रखें। परिवार के लोगों के साथ में मिलजुल करके आपको सारे निर्णय करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि गणेश जी के मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके प्रयासों से रुके हुए महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे। ऑफिस में पारिवारिक वातावरण मिलेगा। सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ा करके काम करें और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेन देन में आपको पारदर्शिता रखना चाहिए। बेईमानी करने से आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपको करके उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। पुरानी बीमारी को लेकर के सतर्कता आपको बरतनी होगी। रिश्तेदारों से संपर्क बढ़ेगा। किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाने या उनके आपके घर जाने आने का कार्यक्रम बन सकता है। नई जिम्मेदारी, नया काम या नया वाहन, नई भूमि खरीदने के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को यदि आप पीले रंग की मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपके दिमाग में आने वाले विचारों पर आपको ध्यान रखना चाहिए तथा नकारात्मक विचारों का त्याग करके मन में सकारात्मक विचार लाने चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। सहकर्मियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। विवादों को किसी भी सूरत में हवा नहीं देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी बिक्री से आपको फायदा हो सकता है और कहीं से कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। पार्टनर से आपको फायदा होगा और उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपके घर में परिवार में प्रसन्नता का माहौल निर्मित होगा तथा उच्च अधिकारी या प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क बनेगा। व्यापारियों को दैनिक आय में बढ़ोतरी मिलेगी। नए निवेश के लिए कार्य योजना बनाकर लाभ आपको प्राप्त होगा। नई नौकरी के लिए आवेदन यदि आपने किया है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है और उपाय के रूप में लाल कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मानसिक संतुलन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कामकाज का बोझ अधिक होने से आप परेशान हो सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने काम को बांट करके चले, यानी पूरे की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें।
सभी के साथ मिल करके आपको काम करना चाहिए, और यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम घर में प्रस्तावित है तो उसमें बढ़ चढ़ कर आपको हिस्सा लेना चाहिए। परिवार में किसी को आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो खुद पहल करके सहयोग आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज के दिन मित्रों और परिजनों के सभी कामों में पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर बैठक के दौरान सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपसे नाराज हो सकते हैं, तथा डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाई लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको गंभीरता रखने की आवश्यकता होगी। कटु वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, और उपाय के रूप में भोजन के बाद लौंग खाना आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज के दिन की शुरुआत गर्म जोशी तथा पूरे उत्साह के साथ में होगी। ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको सफलता दिलवाएगा। नौकरी के लिए यदि प्रयासरत है तो उसमें अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, तथा आपको जो है कोई नई जिम्मेदारी, नया काम, नया व्यापार शुरू करने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है, और आपको नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ चर्चा करके खुशी का माहौल निर्मित होगा। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या भोजन सामग्री दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।